टी20 वर्ल्ड कप के लिहाजे से अगर देखा जाए काफी युवा खिलाड़ियों का नाम शुमार हो रहा है उस प्रोबेबल स्क्वाड में, लेकिन एक नया नाम जो उसके अंदर उभर कर आ रहा है ये नाम है दीपक हुड्डा का। जिस तरह की आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा रहे हैं दीपक हुड्डा, पहले मुकाबले में भी हमने देखा 47 बनाए, दूसरे में जड़ दिया है अर्धशतक, लेकिन इसी के साथ एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है दीपक हुड्डा ने। क्या रिकॉर्ड किया है दीपक हुड्डा ने अपने नाम, बताएंगे आपको इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। आज का दूसरा टी20 मुकाबला आयरलैंड के सामने भारत का होता है शुरू, भारत की टॉस में जीत के साथ। आज एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस जीत के किया बल्लेबाजी का फैसला। बल्लेबाजी में भारत की शुरुआत के लिए आज एक नया ओपनिंग पेयर हमें देखने को मिला, जहां पे ईशान किशन के साथ आज पारी का आगाज करने के लिए आए संजू सैमसन। लेकिन आगाज भारत के लिए उतना बेहतरीन नहीं था, क्योंकि ईशान किशन का विकेट जल्दी आ जाता है जहां पे भारी किनारा लगा था और मां का ढेर का शिकार बने ईशान किशन। लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं दीपक हुड्डा। आज जिस तरह की शानदार बल्लेबाजी की है दीपक हुड्डा ने, मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, साथ ही में दीपक हुड्डा ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है। क्या रिकॉर्ड किया है दीपक हुड्डा ने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए दीपक हुड्डा की पारी की, उसके अंदर बड़े बड़े छक्के, क्लासी चौके और बेहतरीन गेंदों को रिस्पेक्ट के साथ छोड़ा भी दीपक हुड्डा ने। हालांकि बीच में दीपक हुड्डा को LBW के लिए आउट करार दे दिया गया था, लेकिन जब DRS लिया गया तो पिचिंग थी वो गेंद इनसाइड द लाइन, जिसके चलते बच गए दीपक हुड्डा। वो जीवन दान जो मिला दीपक हुड्डा को, उसका जितना बेहतरीन यूज आज दीपक हुड्डा ने किया वो हम सभी ने देखा है दीपक हुड्डा की शानदार बल्लेबाजी के चलते, कि उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रिकॉर्ड क्या किया है वो भी बताएंगे, लेकिन एक समय ऐसा था कि 35 गेंदों में 69 रन बना दिए थे दीपक हुड्डा ने, जिसके अंदर 6 चौके 5 छक्के थे मौजूद इतनी तेज तरार बल्लेबाजी करते हुए। आज दीपक हुड्डा ने अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है। दीपक हुड्डा ने इस मौके को अच्छी तरह से भुनाया, पहले अर्धशतक लगाया और उस अर्धशतक को शतक पे पहुंचाया। भारतीय क्रिकेट टीम को इस शतक से मिल गई है एक मजबूत शुरुआत पहली पारी में, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहां से क्या अब दीपक हुड्डा वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इन्होंने शतक आके लगाया भी है तीसरे नंबर पे, और तीसरा नंबर जिस तरह से हम सब जानते हैं करंट में फॉर्म में नहीं है, वो फॉर्म से बाहर चल रहा है, यानी कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है। और दीपक हुड्डा ने यहाँ पे तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए, ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए एक बेहतरीन दावेदारी की है पेश। यहां देखना होगा दीपक हुड्डा क्या आने वाले समय में बनते हैं वर्ल्ड कप टीम हिस्सा या नहीं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, दीजिए अपनी राय, क्या आप देखते हैं दीपक हुड्डा को वर्ल्ड कप स्क्वाड में या फिर नहीं। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़े हर एक लेटेस्ट अपडेट को, वो भी सबसे पहले।